दो स्टार किड्स यानी नीलिमा आजमी का बेटा ईशान खट्टर और श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर डायरेक्टर करण जौहर की फिल्म धड़क से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। बॉलीवुड में ऐसे कई स्टार किड्स हैं जिन्होंने साथ में फिल्मों में डेब्यू किया। हालांकि इनमें से कुछ तो बॉलीवुड में सफल रहे और कुछ सुपर फ्लॉप रहे। आज आपको इस पैकेज में ऐसे ही स्टार किड्स के बारे में बताने जा रहे हैं। रणबीर सोनम ने किया था साथ डेब्यू। रणबीर कपूर और सोनम कपूर ऋषि कपूर के बेटे रणबीर कपूर और अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर ने 2007 में आई सांवरिया से डेब्यू किया था। ये फिल्म फ्लॉप रही। हालांकि इन दोनों ही स्टार ने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई। रणबीर ने बचना ए हसीनो 2008, वेकअप सिड 2009, अजब प्रेम की गजब कहानी 2009, राजनीति 2010, रॉक स्टार 2011, बर्फी 2012 सहित अन्य फिल्मों में काम किया। वहीं सोनम कपूर ने आयशा 2010, मौसम 2011, प्लेयर्स 2012, रंजना 2013, खूबसूरत 2014, प्रेम रतन धन पायो 2015, नीरजा 2016 सहित अन्य फिल्मों में काम किया है। कमल सदाना और काजोल, काजोल और कमल सदाना दोनों ही स्टार किड्स हैं। काजोल गुजरे जमाने की एक्ट्रेस तनुजा की बेटी और कमल डायरेक्टर प्रोड्यूसर ब्रज सदाना के बेटे हैं। काजोल कमल ने 1992 में आई फिल्म बेखुदी से डेब्यू किया था। फिल्म फ्लॉप रही थी। इस फिल्म के बाद काजोल ने तो बॉलीवुड में सफलता हासिल की लेकिन कमल इंडस्ट्री में अपनी पहचान नहीं बना पाए। काजोल ने ये दिलगी 1994, इश्क 1997, प्यार तो होना ही था 1998, फना 2006, दिलवाले 2015 सहित कई हिट फिल्मों में काम किया। वहीं कमल ने रंग 1993, बाली उमर को सलाम 1994, हम सब चोर हैं 1995, अंगारा 1996, मोहब्बत की जंग 1998 सहित अन्य फिल्मों में काम किया है। डायरेक्टर डेविड धवन के बेटे वरुण धवन और महेश भट्ट की बेटी आलिया भट्ट ने फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2012 से डेब्यू किया। दोनों ने ही इंडस्ट्री में कम समय में अपनी पहचान बनाई। वरुण ने मैं तेरा हीरो 2014, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया 2014, बदलापुर 2015, बद्रीनाथ की दुल्हनिया 2017 सहित फिल्मों में काम किया है। वहीं आलिया ने दो स्टेट्स 2014, हाईवे 2014, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया 2014, उड़ता पंजाब 2016, बद्रीनाथ की दुल्हनिया 2017 सहित अन्य फिल्मों में काम किया है। अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक बच्चन और रणधीर कपूर की बेटी करीना कपूर ने 2000 में आई फिल्म रेफ्यूजी से डेब्यू किया। अभिषेक ने हिट फिल्मों में काम किया लेकिन इंडस्ट्री में वे खास सफलता हासिल नहीं कर पाए। उन्होंने तेरा जादू चल गया 2000 का महा मैंने भी प्यार किया 2002, कुछ ना कहो 2003, रन 2004, धूम 2004, 10 2005, गुरुवार 2007 सहित अन्य फिल्मों में काम किया। वहीं करीना कपूर ने कई हिट फिल्मों में काम किया। उन्होंने मुझे कुछ कहना है 2001, चमेली 2004, एतराज 2004, ओमकारा 2006, जब वी मेट 2007 सहित कई फिल्मों में काम किया है। धर्मेंद्र के बेटे बॉबी देओल और राजेश खन्ना की बेटी ट्विंकल खन्ना ने 1995 में आई फिल्म बरसात से डेब्यू किया था। फिल्म हिट रही लेकिन दोनों ही बॉलीवुड में सफलता हासिल नहीं कर पाए। बॉबी ने गुप्त 1997, करीब 1998, बादल 2000, कॉम आशिक 2001, हमराज 2002 सहित अन्य फिल्मों में काम किया। वहीं ट्विंकल ने जान 1996, इतिहास 1997, बादशाह 1999, मेला 2000, कॉम जोड़ी नंबर 1 2001 सहित अन्य फिल्मों में काम किया है। सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी और आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली ने फिल्म हीरो 2015 से डेब्यू किया। हालांकि सूरज की इस फिल्म के बाद कोई फिल्म नहीं आई। वहीं इसी साल अथिया की फिल्म मुबारक आई थी जिसमें उनका ज्यादा रोल नहीं था। अमजद खान के बेटे शादाब खान और प्रोड्यूसर राम मुखर्जी की बेटी रानी मुखर्जी ने फिल्म राजा की आएगी बारात 1997 से डेब्यू किया था। एक और रानी ने कई हिट फिल्मों में काम किया। वहीं शादाब इंडस्ट्री में कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। हे राम।
2000 कौमर राजा की आएगी बारात 1997, बेताबी 1997 जैसी फिल्मों में काम किया। फिल्मों में सफलता नहीं मिलने के बाद उन्होंने बॉलीवुड छोड़ और अब लाइमलाइट से दूर हैं। वहीं रानी ने गुलाम 1998, बादल 2000 कौमनायक 2001, चलते चलते 2003, युवा 2004, ब्लैक 2005, बंटी और बबली 2005 सहित कई फिल्मों में काम किया है।